हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, कॉमन रीजन, क्योंकि इस कॉमन रीजन की हेल्प से ही हमें अपना सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज की क्लास में हम कॉमन रीजन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वालिटीज एंड इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट। जो सॉल्यूशन सेट है ना, इसी सॉल्यूशन सेट का मतलब है कॉमन रीजन। सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है? कॉमन रीजन। तो ये जो इन इक्वालिटीज क्या होती है, इन इक्वालिटीज थे हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए इन इक्वालिटीज क्या है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में, तो ये तो है हमारी इनइक्वालिटीज, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड 5x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 15। तो ये तो आ गई इनइक्वालिटीज, और एक कंडीशन और होती है हमारे पास, नॉन निगेटिविटी कंडीशन। तो ये है हमारी नॉन निगेटिविटी कंडीशन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इन इन इक्वालिटीज को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए क्या बनेगा। तो देखिए इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, और सेकंड इक्वेशन आई 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ताकि हम उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर सकें ग्राफ पर। तो देखिए फाइंड करते हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर दें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और अगर y की वैल्यू को 0 कर दिया जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, a आया हमारे पास 0 और 3, और b आया 6 0। तो ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 की कोऑर्डिनेट्स। अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। और अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। अब देखें इक्वेशन 2 में अगर यहाँ पर x की वैल्यू को 0 हम रखें, तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी बची, 5। और अगर y की वैल्यू को 0 रखा जाए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आए c इज इक्वल्स टू 0 5 और d इज इक्वल्स टू 3 0। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले, इनको हम प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पर। तो देखिए ग्राफ पर किस तरह प्लॉट किया जाएगा। इस पर हम प्लॉट करते हैं अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 3। तो 0 और 3 यहां पर आया 0 3, ये आया हमारा पॉइंट ए। फिर था हमारे पास 6 0, तो 6 0 ये आएगा 6 0 पॉइंट बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ आया हमारे पास ये 0 3 6 0, ये आ गया ग्राफ फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें प्लॉट करना है इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ। तो इक्वेशन सेकेंड देखिए, इक्वेशन सेकेंड है, फर्स्ट पॉइंट है उसका 0 5, तो यहां पर आएगा 0 5 पॉइंट सी, और सेकेंड पॉइंट है इसका 3 0, तो 3 0 आया यहां पर 3 0 पॉइंट डी।
तो ये मेरे पास चारों पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आ गया इक्वेशन टू का ग्राफ। अब आप समझें जरा कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये बना हमारा ग्राफ ऑफ इक्वेशन, बट जो ग्राफ मुझे बनाना था वो था ग्राफ ऑफ इन इक्वेलिटीज। तो इन इक्वेलिटीज का ग्राफ कैसा बनता है, उसके लिए हमें देखना होता है कि कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। तो देखते हैं जो हमारी इन इक्वेलिटीज हैं उनकी कंडीशंस ट्रू हैं या फॉल्स, चेक करते हैं। देखिए देखिए कंडीशंस को चेक कैसे करते थे हम, कि एक्स और वाई दोनों को हम जीरो पुट कर दें अपनी इन इक्वेलिटीज में और फिर देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर जीरो प्लस जीरो इज लेस देन सिक्स, तो ये कंडीशन जो है ट्रू है क्योंकि जीरो इज लेस देन सिक्स। और सेकंड इक्वेशन में देखें हम, यहां पर भी पुटिंग एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इज लेस देन सिक्स, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो ग्राफ में हम शेड करते थे टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन कैसा होगा, देखिए अब हमारी दोनों ही कंडीशन जो है वो ट्रू आई। तो देखिए जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा ये रेड वाला, तो इसका क्या आएगा, ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये हो गया, इसको हम शेड करेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन की तरफ। लेकिन अभी हम इसको पूरा शेड नहीं करेंगे क्योंकि टुवर्ड्स द ओरिजिन में ये वाला पार्ट भी आएगा इसके, है ना, ये भी शेड करना होगा पूरा, जब ही तो होगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि इसमें एक दूसरा ग्राफ भी आ रहा है यहाँ पर, ये ब्लैक वाला हमारा जो इक्वेशन सेकंड थी, और ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन थी, तो इसकी टुवर्ड्स द ओरिजिन आया यहाँ पर और यहाँ पर, ये पूरा अगर हम शेड करेंगे तो ये वाला आएगा। तो कॉमन रीजन इसमें से कौन सा हुआ, देखिए कॉमन रीजन हुआ हमारा ये वाला, ये पूरा जो है ना यहां से ये वाला कॉमन रीजन कौन सा हुआ, जो दोनों ग्राफ में आ रहा है। तो देखिए हम इस कॉमन रीजन को शेड करेंगे आप, तो देखिए कितना आएगा, तो ये आया हमारा कॉमन रीजन जो शेडेड वाला पोर्शन है, क्योंकि अगर हम यहां पर भी शेड कर देते हैं तो ये वाला पार्ट इस वाली इक्वेशन में नहीं आता, और अगर मैं यहां पर शेड कर देता तो फिर ये वाला पार्ट इस वाली इक्वेशन में नहीं आता, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो हमें दोनों लाने थे टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारा रिक्वायर्ड जो एरिया है, रिक्वायर्ड रीजन जो है जहां से हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वो है ए ओ डी ई, इसका नाम रखा हमने ई। अब इसमें हम एक काम और करेंगे यहां पर, कि जो पॉइंट ई है यहां के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो ए के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, ओ के कोऑर्डिनेट्स पता है 0 0, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3, और ई के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। तो फाइंड करते हैं, देखिए ई के कोऑर्डिनेट्स, तो ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, कि जो दो इक्वेशन है इनके इंटरसेक्शन से बन रहा है ना ई, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पास मिलेगा पॉइंट ई। चलिए फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट ई। अब देखिए पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें सॉल्व करनी थी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बिल्कुल जिस तरह लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, कि अगर हम यहाँ पर सेम करना चाहें इसे, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 5x है, तो मैं इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो ये दोनों फिर सेम हो जाएंगे ना, फिर हमें इजीली आंसर मिल सकता है। तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, तो देखिए कितना आया 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 30, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। अब हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, तो वहां से हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन सेकंड को अगर हम माइनस कर लें थर्ड में से, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना बना 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 30, और यहां पर है हमारे पास 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, और हमें ने सॉल्व करना है। देखिए कितना आएगा, देखिए साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास
सेवन वाई इज इक्वल्स टू 15, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 15/7, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में, तो वहां से हमें इजीली मिल सकती है x की वैल्यू। तो देखिए, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 15/7 इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए कितना आएगा, एक्स प्लस टू इंटू 15/7 इज इक्वल्स टू 6, तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस 30/7 इज इक्वल्स टू 6, ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 6 - 30/7। तो यहां से आ जाएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू, देखिए कितनी आई, 42 - 30/7, इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 12/7। तो ये आ गई मेरे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। अब इनको हम प्लेस कर देंगे अपने ग्राफ पर, तो हमारे पास आ गई है कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट ई। देखिए, तो देखिए ई की कोऑर्डिनेट्स कितने आए, एक्स आया 12/7 और वाई आया 15/7, ये आ गए हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, कि जो हमारे पास चार पॉइंट्स आए ए ओ डी ई, यानी कि कॉमन रीजन से जो हमें पॉइंट्स मिले, उन पॉइंट्स को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखेंगे, और जिससे भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये हम कब करेंगे, जब क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा। आज हमने सिर्फ क्या देखा कि कॉमन रीजन क्या है और उसको किस तरह से फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केस वन से, जो कि था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको करना क्या है, कॉमन रीजन की प्रैक्टिस कीजिए कि कॉमन रीजन किस तरह से फाइंड किया जाएगा, और जो कंडीशंस हैं आपकी ट्रू और फॉल्स वाली उनको भी अच्छे से समझ ले, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो हम आगे अब अपनी क्लास करेंगे यूनिक सॉल्यूशन वाली वो आपकी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।